أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 10 exercise 3.1 میں question number 6 ہے there is an inverse variation between x and y when x کی value 4 ہے y کی value 6 ہے تو ہمارے پاس دو parts ہیں ان کو ہم نے solve کرنا ہے first part میں ہم نے y کی value کو find کرنا ہے x کی value given ہے और सेकंड पार्ट में एक्स को फाइंड करना है और वाई की वैल्यू गिवन है तो ये इन्वर्स वेरिएशन है तो वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर एक्स तो जब भी हम इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल को साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के इंटू वन बाय एक्स y इज इक्वल टू k को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो k बाई एक्स तो हमारे पास इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम देना है। अब हमने सबसे पहले जो उनसे है k की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। जो फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है तो अब हम देखें इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें इसके नीचे वन लगा दें के को वन से मल्टीप्लाई कर लें और वाई को मल्टीप्लाई कर लें एक्स के साथ तो के इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 और एक्स की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 4 तो के इज इक्वल टू 6 4 = 24 तो हम सबसे पहले जो है k की वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है चाहे डायरेक्ट वेरिएशन हो चाहे इन्वर्स वेरिएशन हो तो हमारे पास x की वैल्यू k की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 फर्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है तो y को हमने फाइंड करना है x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 और k की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है 24 तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास बनी हुई है इसी को अब हम यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू k बाय एक्स इसके में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे k की वैल्यू पुट कर लेंगे और x की वैल्यू भी पुट कर लेंगे k की वैल्यू हमारे पास है 24 तो k की जगह पे लिख देंगे 24 बाय x की वैल्यू हमारे पास है 12 तो 12 वाला टेबल 2 टाइम्स जाता है 24 पर तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है y की वैल्यू है 24 और k अब हमने फर्स्ट फाइंड किया था उसकी वैल्यू आई थी 24। सेकंड पार्ट में भी हम फार्मूला जो होगा वो इक्वेशन नंबर 1 वाला ही यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू k बाय एक्स तो देखें अब हमारे पास इसके दो रूल हैं सिंपली रूल यूज़ करते हैं x को y की जगह पर और y को x की जगह पर लिख दें तो x इज इक्वल टू k बाय y देखें सिंपली इनके इंटरचेंज कर लें तो आपको इजीली जो है x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे x इज इक्वल टू k k की वैल्यू हमारे पास गिवन है 24 और y की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 24 पर 1 टाइम्स जाता है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। दिस इज आवर आंसर। हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल है इसको भी हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 15। तो लेट हमारे पास x बी द जो x होता है वो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल होता है x बी द मीन प्रोपोर्शनल अब हमने इसको
फाइव, सेंटर में हम लिख देंगे एक्स, और लास्ट वन हमारे पास है 15। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन होगा आपने उन दोनों जो वैल्यूज़ गिवन होंगी उनके सेंटर में आपने एक्स को लिखना होगा। अब इसको सॉल्व इस तरह करना है कि एक दफ़ा एक्स जो होगा वो फर्स्ट वन के नीचे डिवाइड होगा। देखें, फाइव डिवाइडेड बाय एक्स, और दूसरी दफ़ा एक्स ऊपर होगा और 15 इसके नीचे डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास रूल है। अब हमने इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ और x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। x स्क्वायर हो जाएगा 5, 15 फाइव ज़ार आता है 75। अब हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सेवेंटी फाइव का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर का भी, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, और 75 का हम ले लेते हैं एलसीएम। थ्री वाला टेबल जाता है 25 दफ़ा, 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5। तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा और 3 हमारे पास अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 5 अंडर रूट 3।